IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसीजर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है फ्रेंड्स, वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर का, भ्रूण स्थानांतरण का। इस IVF प्रक्रिया के दौरान जो हमने इम्ब्रियोज का, भ्रूण का निर्माण किया था, वो फाइनली इम्ब्रियो ट्रांसफर में हम आपके गर्भाशय में डाल देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इम्ब्रियो प्रोसीजर IVF का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद दंपत्ति ऐसे ही डरे हुए होते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है, हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसमें अगर आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग हल्की फुल्की हो जाए, हल्का फुल्का खून के दाग धब्बे अगर आपको लग जाए, पेट में खिंचाव आता है, तो कपल्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस ब्लीडिंग के साथ, इस दर्द से कहीं हमारा जो भ्रूण ट्रांसफ़र किया गया था, एम्ब्रियोज जो ट्रांसफ़र किए गए थे आपके गर्भाशय में, वो इस ब्लीडिंग के साथ निकल तो नहीं गए, हमारा प्रोसीजर फेल तो नहीं हो जाएगा। एक बिल्कुल हताश हो जाते हैं कपल्स कि अब तो जो भी उन्होंने प्रोसेस किया था वो फेल हो गया। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। स्पॉटिंग पीवी, ब्लीडिंग पीवी इम्ब्रियो के ट्रांसफ़र के बाद बहुत ही कॉमन है। स्टडीज़ में देखा गया है कि भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद लगभग 7 से 40% महिलाओं में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग पीवी की कंप्लेन देखी जाती है। थोड़ा बहुत दाग धब्बा ब्लीडिंग लग सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। इस ये आपके अंदर आपके आपके प्रोसीजर के फेलियर का साइन बिल्कुल भी नहीं है। इम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको ब्लीडिंग कई कारणों से हो सकती है। सबसे पहले जो आपके डॉक्टर हैं, इम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको कई मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करते हैं, कई ऐसे दवाइयाँ देते हैं जैसे इकोस्प्रिन, लोनोपिन, जिससे कि आपका खून पतला हो जाता है, जिससे कि आपकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपको स्पॉटिंग पीवी हो सकता है इस कारण, जो आपकी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स है। इसलिए ये एक कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग हो सकता है। दूसरी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे अच्छी बात है कि स्पॉटिंग एक साइन है इम्प्लांटेशन का, यानी जो भ्रूण हमने ट्रांसफ़र किया था आपके गर्भाशय में, वो आपके गर्भाशय के ब्लड वेसल्स को इरोड कर रहा है, वो इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा है। जिस दौरान आपको ब्लीडिंग होती है, जब जो इम्ब्रियोज ट्रांसफ़र हुए हैं वो आपके रक्त नली में, जब खुद के समझिए कि खुद को घुसाने की कोशिश करते हैं ताकि वो मदर की ब्लड सप्लाई अपने ग्रोथ के लिए ले सके, उस दौरान ब्लीडिंग होती है। यानी ये एक गुड साइन है कि शायद आपका प्रोसीजर अब सक्सेसफुल हो चुका है और आपको प्रेगनेंसी लग रही है। साथ साथ में अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, साथ साथ में अगर आपको आपको नोजिया लग रहा है, जी मिचली हो रही है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रहा है, आपके स्तनों में लग रहा है कि दर्द है, या फिर सूजी सूजी सी लग रही हैं, और भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, आपको ज़्यादा थकान, ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार पेशाब हो रहा है, तो ये साइन हो सकता है कि एक्चुअली ये स्पॉटिंग आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और आपका प्रोसीजर सक्सेसफुल होने वाला है। थर्डली, जब हम IVF प्रोसीजर्स से एक पेशेंट गुजरती है तो कई बार वजाइनल मैनिपुलेशन होते हैं, कई बार योनि के रास्ते को हम इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, तो लोकल ट्रॉमा या इन्फेक्शन लोकल होने की वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत स्पॉटिंग बहुत कॉमन है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, इसमें आपको ये नहीं समझना है कि आपका प्रोसीजर फेल हो गया। बट यस, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ में पेट में क्रैम्प हो रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका पीरियड्स आने वाला है। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी ज़्यादा अमाउंट में आपको हो रहा है और पेट दर्द के साथ एसोसिएटेड अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो यस, ये पीरियड्स के साइन हो सकते हैं। आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, आपके डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपके ब्लड टेस्ट करा के और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करके इसे कंफर्म करेंगे, रूल आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।